हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑक्टोपेड लवर में। दोस्तों, और एक ये जो मैं लेके आया हूँ आपके बीचों पेज, ये है मुंबई के ढोल। है ना, आपने सुना होगा घंटी भी बजती है, बहुत सारे ढोल बजते हैं, गजब का बेस आता है ना इस तरह का। तो वो बेस सब बनाया है, वैसी चाटी आपको सुन के लगेगा, एक बार सुन लीजिए, फिर बजाने का तरीका बताता हूँ, है ना। देन मैं बता दूंगा पेज की एडिटिंग क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, इसलिए अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, है ना। देखते हैं अपन, शंख की आवाज है और ये एक और शंख डाल के रखा है। सुना होगा दोस्तों, ऐसा करते हैं शुरू में बजाते हुए, जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो वो गर्जना ढोल जो बहुत फेमस है ना, वो ऐसे ही कुछ होता है। तो गजब का पेज है इसको, है ना। हम देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से बजाना है। तो दोस्तों, आपको ये कंटिन्यू चलेगा, है ना। देन इसके बाद क्या करना है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 3 और 4 के बीच में एक बेस आ रहा है, कैसे, 1 2 3 4, 5 6 7 8, अब क्या करना है आपको, देखो 1 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में एक बेस आ रहा है और सीधा 5 पे आ रहा है। मैं बता देता हूँ आराम आराम से, देखिए 2 सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उल्टा स्टार्ट करता हूँ। तो ये पैड नंबर 5 है, जैसा कि आपको इधर पे दिख रहा है, ये है ना। तो आप चेक कर लेना कहाँ पे आपका क्या आ रहा है। तो मैं इधर से ही स्टार्ट करता हूँ। अब मेन्यू में जाना है आपको, ये देख लीजिए इस तरीके से, ये लेयर 1 के इंस्ट्रूमेंट हैं, सब चेक कर लीजिए आप। ये देखिए लेयर 1 में क्या क्या डला हुआ है, ये पैड चेंज हो रहे हैं। देखिए ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर है, और ये 7 नंबर है, और ये 8 नंबर है, है ना, 9 है, 10 है, कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है, सॉरी 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। देन आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है, नीचे की तरफ इस तरीके से आएंगे, है ना। तो आप देख लें पैड नंबर 5 में क्या क्या डला हुआ है, ये 6 में, ये 7 में, और ये 8 में।
ठीक है, इसके नीचे हम और आ जाते हैं, देख लीजिए पैड नंबर 5 में क्या डाला हुआ है, 6 में, ये देखिए इधर पे ऊपर ये चेंज होते जाता है ना, तो आप देखते जाइए किस किस पैड नंबर में आ रही है, 7 में और ये 8 में, ऊपर कुछ भी नहीं डला हुआ था दोस्तों, इसलिए मैं ऊपर के पैड नहीं बता रहा हूँ। ये लास्ट में देख लीजिए कैसा क्या है, मैंने आपको ये इसमें ग्रुप वन डला हुआ है, ठीक है। देन आपको हम ले चलते हैं लेयर 2 में, अब लेयर की बटन दबा के आपको 2 नंबर दबाना है, सॉरी लेयर ज़्यादा देर दब जाता है तो फिर वो डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाता है। अच्छा एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये लेयर अब हम आ गए हैं 2 में, लेकिन इधर 1 है, मेरे को बताने में कन्फ्यूज़न हो गया क्योंकि पहले मैंने 2 का बता दिया, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप कहीं पर भी इंस्ट्रूमेंट डालो, है ना, थोड़ा सा वो ऑलरेडी 2 पे सेलेक्टेड था, तो 1-2 में डालो, कोई समस्या नहीं है, वॉल्यूम उतना ही आएगा। अब ये देख लो लेयर 2 आपके लिए है ना, क्या डाला हुआ है, पैड नंबर 5, पैड नंबर 6, पैड नंबर 7, पैड नंबर 8, है ना, ये पैड नंबर 1, 2, 3, ये पैड नंबर 4 है ना। देन हम चलते हैं नीचे आ जाते हैं, देखिए नीचे आ जाते हैं, आप फटाफट देख लेना क्या क्या डला हुआ है, क्योंकि बहुत समय लग रहा है, लंबा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं लेयर 3 में, आपको क्या डालना है चलिए देख लेते हैं, लेयर 3 में क्या डाला हुआ है, इसमें भी एक पेज डाला हुआ है मस्त सा, ये देख लीजिए 101 के डली हुई है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें घुंघरू हैं छोटे छोटे, इसको आप डाल लेना, इसमें घंटी है, इसमें कुछ नहीं है, शेकर डले हुए हैं, आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा भरा हुआ बसता है पेज, ठीक है। लास्ट में आपने देख लिया पैड नंबर 4 पे क्या है, चलिए हम नीचे चलते हैं, पैड नंबर 4 पे हम वापस आ जाते हैं, 5 पे सॉरी आ जाते हैं, फिर से इधर पैड लिखा हुआ आ जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बनाने में पेज दिक्कत नहीं जाएगी, 5, 6, 7 देन 8, क्या क्या है देख लीजिए आप, 1, 2, 3 देन 4, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, नीचे आके पैड नंबर 5, पैड नंबर 6, पैड नंबर 7, पैड नंबर 8, पैड नंबर 1, पैड नंबर 2, पैड नंबर 3, पैड नंबर 4, और नीचे आ जाते हैं देख लेते हैं क्या क्या है, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, ये तो मैंने पैड पूरा बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या डला है और किस तरीके से डला हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमको देखना है पेज बनाने के लिए, वो एक बार हम फिर से इसमें जाएंगे, मेन्यू में जाके शोर की बटन दबाएंगे, ये ग्लोबल सेट पे जाएंगे, ग्लोबल सेट में
नीचे की ओर आते जाना है और आते जाना है और आते जाना है, और ये रिपीट टाइम है, ये आप 14 कर लेना अगर स्लो बजाना है, अगर ज़्यादा फास्ट रिदम बजाना है तो 12 13 भी। ये जो डिले है ना रिपीट टाइम, ये वही है ना, तो ये आपको सेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम पेज बन जाएगा, बच जाएगा और बन भी जाएगा। तो बढ़िया मज़े करिए ये पेज के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेज के साथ। बाय बाय दोस्तों।